होम के टैब में से सबसे पहले हम लोग फॉन्ट के ऑप्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक सिंपल टेक्स्ट टाइप किया हेलो वर्ल्ड, और इस टेक्स्ट को मैं रेंज में ले लेता हूं। रेंज में लेने के बाद मैं इसे बोल्ड कर सकता हूं, इटैलिक कर सकता हूं, अंडरलाइन कर सकता हूं, इसका कलर चेंज कर सकता हूं। यहां पर दिए हुए अवेलेबल कलर्स में से मैं कोई नया कलर भी चूज कर सकता हूं। टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकता हूं, और अगर मुझे हाईलाइट नहीं चाहिए तो मैं नो कलर करके उसे नॉर्मल भी कर सकता हूं। टेक्स्ट की साइज को अपनी मर्जी से बड़ा कर सकता हूं, अगर स्टेप बाय स्टेप साइज इंक्रीज करनी है तो स्टेप बाय स्टेप साइज इंक्रीज कर सकता हूं, और साइज को डिक्रीज भी कर सकता हूं। तमाम लेटर्स जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, इसमें हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। मैं चाह रहा हूं कि तमाम पूरे सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाए। ये देखें, हेलो वर्ल्ड में सिर्फ एच बड़ा है। लोअर केस तमाम स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे, अपर केस तमाम लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। और टुगल केस, हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। अब हमें यह पता कैसे चलेगा कि किस पे क्लिक करने से क्या हुआ? अगर आप इन तमाम ऑप्शन को गौर से देखें तो इसी में ही आपको तमाम चीजों के जवाब मिलेंगे। जैसे टुगल केस, आप देखें टुगल और केस में पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। यानी जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल और बाकी सब कैपिटल। कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल। इस पर क्लिक करने से हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। अपर केस में सारे लेटर कैपिटल है, तो इस पर क्लिक करने से आउटपुट में सब कैपिटल में आएगा। लोअर केस में सब स्मॉल में आ जाएगा, और सेंटेंस केस में सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल, बाकी सब स्मॉल आएंगे। तो ये सिंपल कुछ टेक्निक्स जिसको यूज करते हुए हम लोग अपने टेक्स्ट को डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल के अंदर या राइटिंग या कलर वगैरह में चेंज कर सकते हैं। यहां पर अवेलेबल फॉन्ट राइटिंग मौजूद है, जो चाहे आप यूज करें। और अगर इन तमाम को दोबारा ठीक करना है तो हम इन्हीं तमाम ऑप्शंस में जाकर जो हमारे पास इसकी राइटिंग थी वो हम सिलेक्ट कर लें, बोल्ड इटैलिक वगैरह को हम खत्म कर दें, तो तमाम चीजें दोबारा अपने ऑर्डर में वापस आ जाएंगी।